नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल और मैं हूँ आपकी दोस्त नताशा। आज की वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस की रिक्वेस्ट पड़ी थी जो मुझे अच्छी लग रही हैं और मुझे लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है किसी अदर के लिए, तो उनसे रिलेटेड आपके लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ। तो ये आपके लिए उसी से रिलेटेड एक वीडियो है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज तक जो है YouTube ने किसी ने भी इस चीज़ में कोई एडवाइस नहीं दी होगी, इससे रिलेटेड बहुत सारी एडवाइस दी है क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। जैसे कि मुझे जब चावल खाने से प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने उससे रिलेटेड चीज़ आपसे शेयर की थी, उसमें मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मैंने अपनी ट्रू स्टोरी आपके साथ में शेयर की थी, प्लस फिर कि मैंने कैसे छोड़ा वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था, इससे क्या नुकसान है वो भी सबने शेयर किया, बल्कि लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो भी मैंने शेयर किया, जिससे कि किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस चीज़ से छुटकारा पा सके। इसके बाद भी मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि मैम इतना कुछ करने के बाद भी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम क्या करें। तो मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रही थी जो कि मैंने सजेस्ट किया था अपनी एक फ्रेंड को, क्योंकि क्या होता था कि मैं कभी कभी ऐसा करती थी तो मुझे लगा कि मुझे उसे बताना चाहिए। मैंने उसको सजेस्ट किया, उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से आराम लगा है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि मुझे मतलब खुद पे कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा इससे आराम लगा है। दो पार्ट में मैं इसको करना चाहूँगी। सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है आपको, अगर आप भी कच्चे चावल खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं, कच्चे चावल हो या फिर आपकी जो मुल्तानी मिट्टी हो या फिर स्लेट पेंसिल हो, सबसे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इन सब में से कुछ भी चीज़ें आप छोड़ना चाहते हैं तो इन सभी के लिए है। सबसे पहली जो चीज़ है ज़रूरी है कि आपका आत्मविश्वास और आपका माइंड सेट होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे आप नहीं छोड़ पाएंगे। सबसे पहली चीज़ किसी चीज़ का भी ध्यान कीजिएगा, आपको वो छोड़नी पड़ेगी, आपको बस ये सोचना है कि मुझे ये छोड़ना है। सेकंड चीज़ जो फॉर्मूला मैंने इसको बताया था, बहुत अजीब सा, बहुत लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्या करती थी मैं या मैंने शेयर किया अपने फ्रेंड से। पॉसिबल नहीं होता हर जगह पर जो मैंने चीज़ें बताई थी वो चीज़ आपको मिल जाए, या फिर ऐसा होता था कि आप बादाम वगैरह भी खा रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, उसके बाद भी थोड़ी देर तक तो आराम लगता था, फिर आपका मन कर जाए स्लेट पेंसिल या कुछ चीज़ें से खाने का। तो आपको क्या करना है, विक्स की गोली मैं मोस्टली अपने पास में रखती हूँ क्योंकि कई बार मेरे गले में खराश हो जाती है, तो विक्स की गोली आपको अपने पास में रखनी है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा फन करे आप इसको खा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको हनी है ये, इसके अलावा बहुत ज़्यादा आती है जिंजर हनी है ये, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में ये आती हैं, आप इसको खा सकते हैं और इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपका गला जो है वो फ्रेश होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ना खाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ आपको नुकसान देने लगती है। इससे क्या होगा, आपका जो है गला ठीक रहेगा। इसको ऐसे ऐसे चबा के जो होता है तोड़ के मत खाइएगा, इसको मुँह में रख लीजिएगा जब भी आपका मन करे, क्योंकि ये क्या करता है आपके मुँह को, आपके अंदर जो आप इसको मुंह में रखते हैं एक फ्रेशनेस टाइप से पैदा करता है, उससे क्या होता है आपका मुंह पूरा फ्रेश हो जाता है, प्लस इसके साथ में थोड़ी सी कड़वाहट टाइप से आपके मुंह में आ जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा देर तक यानी कि आधे घंटे तक तो आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। तो स्लेट पेंसिल या कुछ भी क्या चीज़ है, एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको जमा के देखिए, अगर आपको भी आराम लगता है तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ये चीज़ आप कर रहे हैं और आपको आराम लगेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसी टाइप की और बहुत ज़्यादा सारी वीडियोस मेरे पास में हैं, प्लीज़ 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 अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो फिर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।